न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार जायरोकॉप्टर एरो टूरिज्म शुरू करने जा रही है। जायरोकॉप्टर एक छोटा हेलीकॉप्टर होता है जिसमें एक पैसेंजर फ्लाई करके फ्लाई एडवेंचर कर सकता है। देश में पहली बार हरिद्वार के बैरागी कैंप में जायरोकॉप्टर टेक ऑफ का सफल ट्रायल किया गया। सरकार पीपी मोड पर उत्तराखंड बेस्ड राजस एरो स्पोर्ट्स कंपनी के साथ मिलकर इस नए एडवेंचर स्पोर्ट की शुरुआत करने जा रही है। प्लानिंग के अनुसार हरिद्वार के रनवे से प्रदेश के कई टूरिज्म प्लेस में जाकर पर्यटक उतर सकेंगे। इसके साथ ही हिमालय इलाके की मनमोहक वादियों के नज़ारे का लुत्फ भी ले सकेंगे। हरिद्वार में विकास भवन के सभागार में डॉक्टर रघुनंदन सिंह टौलिया उत्तराखंड प्रशासन एकेडमी नैनीताल द्वारा सूचना के आधार अधिकार अधिनियम से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को वजाहत हबीबुल्ला ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में सूचना के अधिकार के माध्यम से एक क्रांति आई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिकों को पता होना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। यही नहीं, ग्रामीण स्तर पर भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर विभाग की वेबसाइट में संबंधित विभाग की जो भी कार्यप्रणाली है उस अनुसार उसका उल्लेख होना चाहिए, ताकि आम नागरिक सीधे वेबसाइट से जो जानकारी उसे चाहिए उसे प्राप्त कर सकता है। हरिद्वार में सरकार की महत्वाकांक्षी पॉट टैक्सी परियोजना धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। स्थानीय व्यापारियों और अन्य संगठनों के विरोध के चलते पॉट टैक्सी की राह में कई रुकावटें आ रही हैं। स्थानीय व्यापारी पॉट टैक्सी के रूट को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सरकार के दौरान हरिद्वार को जाम से निजात दिलाने और आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर में पॉट टैक्सी आयोजन प्रस्तावित की गई थी। सड़क के ऊपर केबल पर चलने वाली पॉट टैक्सी को सीतापुर से उत्तरी हरिद्वार तक ले जाया जाना है, जिसके बीच में कई स्टेशन भी बनाए जाएंगे। स्थानीय लोगों का विरोध है कि अपर रोड और मुख्य बाजारों पर सड़क संकरी है। ऐसे में अगर यहां पॉट टैक्सी के लिए पिलर लगाए जाएंगे तो यहां व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। इस बात पर हरिद्वार के सभी छोटे बड़े व्यापार मंडल एकजुट होकर प्रोजेक्ट का रूट बदले जाने की मांग कर रहे हैं। जिन स्थानों से पॉट टैक्सी का रूट जा रहा है उन स्थानों पे वाकई में क्या लोगों की भ्रांतियां दूर करने के लिए, जो संशय दूर करने के लिए, कमेटी का गठन किया जाए कि वो कमेटी मौके पे आके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग कर ले और चेक कर ले, दिखाएं मौके में प्रैक्टिकली कि कल के दिन में अगर पॉट टैक्सी के लिए जो स्ट्रक्चर्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना है तो क्या स्थिति रहेगी। तो ये जो आप लोगों ने जो सजेशन रखा है तो उसमें सारे के सारे सजेशन हम लोग शासन को भेज रहे हैं। हरिद्वार जिला भाजपा कार्यालय पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कार्यशाला उत्तराखंड में पहुंची। वेस्ट बंगाल की भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने इस योजना को गरीबों के लिए फायदेमंद बताया। वहीं लोकसभा में हंगामा करने वाले सांसदों को सस्पेंड करने वाले मामले पर विपक्ष पर कई वार किए। साथ ही विपक्षी गठबंधन पर कहा कि सब अपना अपना स्वार्थ लेकर एक दूसरे के साथ जुड़े थे, स्वार्थ पूरा न होने पर सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी का कहना है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कार्यशाला पूरे देश में चलाई जा रही है। उत्तराखंड में अब तक इस योजना के साथ 5,500 लोग जुड़ चुके हैं। इस योजना के तहत गरीब लोगों को 1 से 3 लाख का लोन आसानी से मिल सकेगा। संसद में हंगामा करने वाले सांसदों को सस्पेंड करने के मामले पर लॉकेट चटर्जी का कहना है कि सांसदों को हंगामा करने की बजाय वार्ता करनी चाहिए, मगर विपक्ष के सांसद वार्ता नहीं करना चाहते। इस कारण सांसद के कार्य में बाधा हो रही है। विपक्ष 3 राज्यों में हारने के बाद भड़ास निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ ऑलरेडी पूरा देश भर में हो चुका है और सेकंड फेज ऑलरेडी चालू हो गया है। इसके विषय पर हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग है।
यहाँ पे 5,500 से अधिक उत्तराखंड पे उत्तराखंडवासी 5,500 के अधिक लोग जुड़ गए हैं इस विश्वकर्मा योजना स्कीम के। अठारह पकड़ का बहुत सारा लोग है जो लोग बहुत सारा काम पे जुड़े हुए हैं, उसके लिए गरीबों के लिए ये 1,00,000 से 3,00,000 रुपए का लोन ये स्कीम में मिल रहा है। श्यामपुर में खैरी कला के ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल ने अपने ऊपर सड़क का बजट ठिकाने लगाने के लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि यदि आरोप लगाने वाले आरोपों को सिद्ध कर दे तो वो ग्राम प्रधान के पद से इस्तीफा दे देंगे। यदि वो लोग आरोपों को सिद्ध नहीं कर सकते तो मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग कर अपने पद से इस्तीफा दे दें। बता दें कि ग्राम प्रधान संगठन ने खैरी कला क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मौके पर ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल ने कहा कि कुछ दिन पहले एक बोट को लेकर राजनीति हुई थी, उस दौरान एक जनप्रतिनिधि ने उनके ऊपर विधायक निधि का पैसा का बजट बिना सड़क बनाए ठिकाने लगाने का आरोप लगाया था, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। ग्राम प्रधान ने मौके पर नवनिर्मित सड़क दिखाते हुए कहा कि पेंटर की गलती से इस सड़क का बोर्ड दूसरे ग्राम सभा में लग गया था, जिसके लिए पेंटर ने अपनी गलती को स्वीकार भी किया। बावजूद इसके जनप्रतिनिधि ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, जो कि गलत है। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास सुभाष घाट पर स्थित ऐतिहासिक कांग्रेस कार्यालय को हरिद्वार सिविल जज जूनियर के आदेश पर शिव कुमारी के पक्ष में खाली करा लिया गया है। आपको बता दें कि कार्यालय को लेकर लंबे समय से न्यायालय में वाद चल रहा था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने मामले में काबिज कांग्रेस को प्रतिमान निश्चित किराया अदा करने के निर्देश दिए थे। अदा न करने पर न्यायालय ने वादकारी शिव कुमारी के पक्ष में कार्यालय खाली करने के आदेश के बाद कार्यालय खाली करा लिया गया। कार्यालय खाली होने से कांग्रेस की राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस के जिला कार्यालय के खाली होने पर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज इतनी पुरानी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं को भी पार्टी से जोड़े नहीं रख पा रही है, इसलिए कांग्रेस को अपनी नीतियां और कृतियों को लेकर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। जानकारी देते हुए कांग्रेसी नेता मनोहर मुरली ने बताया कि कांग्रेस के पास ये कार्यालय आज़ादी के पूर्व से था। स्वाधीनता पूर्व कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की अनेक व्यूहरचनाएँ यहाँ की थी। आज़ादी के अनेक आंदोलन इसी कार्यालय के बाहर से शुरू हुए थे और इस कार्यालय से कांग्रेस की कई यादें जुड़ी हुई थी। हालांकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात मान के चलिए कि कांग्रेस का जो हम लोग भी मानते हैं बहुत पुराना संगठन है, हालांकि अनेकों बार उसका विभाजन हुआ है। अब ये नहीं कह सकते वही कांग्रेस ये है या कौन सी ये कांग्रेस है, लेकिन हम कांग्रेस के रूप में पुराने कांग्रेस के रूप में भी यदि हम बात करें, पुराने संगठन को यदि आज अपने अस्तित्व की लड़ाई करनी पड़ रही है, चुनाव में बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है और कार्यकर्ता नाम की चीज़ वहाँ से ख़त्म हो रही है, और आज सभी लोग माननीय मोदी जी का जो है नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, तो इनको अपने बारे में विचार करना चाहिए। ठीक है। ऋषिकेश में क्रिसमस और नए साल के पर्व को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। एसपी देहात ने इंस्पेक्टर और सभी चौकी प्रभारी को जिम्मेदारी देते हुए व्यवस्थाओं को बनाने के निर्देश दिए हैं। एसपी देहात ने शहर का निरीक्षण भी किया। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने शहर का निरीक्षण करने के बाद कोतवाली में इंस्पेक्टर शंकर सिंह बिस्ट के साथ बैठक की। क्रिसमस और नए साल के मौके पर आने वाले लाखों पर्यटकों के संबंध में व्यवस्थाओं को लेकर इंस्पेक्टर से चर्चा की। एसपी देहात ने बताया कि ऋषिकेश को व्यवस्थाओं के मद्देनजर 5 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सभी सेक्टर की जिम्मेदारी चौकी प्रभारी को दे दी गई है। अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रूप से चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही क्षेत्र में होटल और गेस्ट हाउस की चेकिंग कर मानकों की जांचने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जिन होटल और गेस्ट हाउस में मानक पूरे ना मिले उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। एसपी देहात ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को पर्यटकों के साथ मधुर व्यवहार करने के लिए भी ब्रीफ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नए साल के मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी ऋषिकेश में व्यवस्थाओं के लिए तैनात की जाएगी।
कानपुर के सांड थाना क्षेत्र के पहेवा गांव में अंबेडकरवादी लोगों द्वारा की जा रही बौद्ध कथा में कुछ अराजक तत्व द्वारा तोड़फोड़ कर मारपीट के जाने के विरोध में भारतीय दलित पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनीराम पैंथर ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नर आर के स्वर्णकार ने बताया कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ज्ञापन देने आए पैंथर ने बताया कि भगवान बुद्ध की कथा खत्म हो चुकी थी, तभी अराजक तत्व ने कथा पंडाल में फायरिंग की जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। धनीराम पैंथर ने कमिश्नर आर के स्वर्णकार से दोषियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की तो समस्त अंबेडकरवादी लोग सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कानपुर चकेरी थाना क्षेत्र के किसान बाबू सिंह का परिवार उनकी आत्महत्या के बाद से ही मुसीबत के दिन काट रहा है। मुसीबत की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी ने उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। विगत कुछ दिन पूर्व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार से मुलाकात की थी और किसान की बेटियों से वादा किया था कि समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार में सदैव उनके साथ है, साथ ही 5 लाख की धनराशि से उनकी मदद भी की जाएगी। उसी कड़ी में बाबू सिंह की बेटियों से किया वादा पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी ग्रामीण के अध्यक्ष मुनिंद्र शुक्ला, महानगर अध्यक्ष फजल महमूद, विधायक रूमी हसन और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के समक्ष पार्टी फंड से 5 लाख की आर्थिक मदद की गई। आगे भी पीड़ित परिवार की हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया। SPGRP ने पुलिस फोर्स के साथ आगामी त्यौहार को लेकर रेलवे स्टेशन परिसर झांसी में संघन चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें कि माघ मेला 26 जनवरी और राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन को लेकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी परिसर में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान आसपास के दुकानदारों से बात कर समझाया गया। पुलिस फोर्स द्वारा स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की चेकिंग की गई। इसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया, आरक्षण केंद्र, वेटिंग हॉल समस्त अन्य स्थानों पर भी चेकिंग की गई। देखिए, अभी जो आगे त्योहार है, माघ मेला है, राम जन्मभूमि मंदिर जो बन रहा है उसका उद्घाटन होना है और 26 जनवरी है, ये सब को देखते हुए एक विशेष सतर्कता रखने के लिए सब चेकिंग की गई है और एक रूटीन भी है कि चेकिंग होना चाहिए समय अंतराल पे। इसीलिए दरमियान चेकिंग की गई है और स्टेशन को, प्लेटफॉर्म को, यहाँ जो पार्सल घर है, टिकट काउंटर्स हैं, वहाँ पे आसपास चेकिंग की गई है। झांसी के समथर थाना में तैनात एक महिला सिपाही ने चिकित्सक से अभद्रता की। डॉक्टर ने पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित विभागीय अधिकारियों से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। महिला सिपाही एक पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने आई थी। अन्य मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने जब कुछ देर रुकने के लिए कहा तो महिला सिपाही ने डॉक्टर के साथ अभद्रता की। मोट CHC के अधीक्षक डॉक्टर MP राजपूत ने बताया कि समथर थाने में तैनात महिला पुलिस ने चिकित्सक से अभद्रता की है जिसकी शिकायत पुलिस और विभागीय अधिकारियों से की गई है। डॉक्टर चित्रांगद MS सर्जरी वाले ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात थे। शाम के समय एक महिला कांस्टेबल जो कि समथर में पोस्टेड हैं, उनका नाम मोहिनी कुमारी है, अपने एक MLC करवाने के लिए ट्रॉमा सेंटर आई थी। तो डॉक्टर साहब के द्वारा बताया जा रहा है कि ये महिला कांस्टेबल अभद्रता कर रही थी और जल्दबाजी कर रही थी MLC करवाने के लिए, जबकि वहाँ पर मरीज बैठे हुए थे और डॉक्टर साहब मरीज देख रहे थे। गोरखपुर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान का अब विरोध भी शुरू हो गया है। सड़कों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम, जिला और पुलिस प्रशासन और यातायात विभाग संयुक्त रूप से सड़कों पर उतर कर कार्रवाई कर रही है। यह अभियान लगातार जारी है। इसी बीच पटरी व्यवसायियों ने इस अभियान का विरोध करते हुए नगर निगम का घेराव कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पटरी व्यवसायियों का कहना है कि हम लोग सड़क पर दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं, हर रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, लेकिन हमारी इस व्यवस्था पर अब ग्रहण लग गया है। लाठियों के दम पर हमारी दुकानों को पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है। दुकान हटाने के दौरान पुलिस हमसे गाली गलौज और मारपीट करती है जैसे हम कोई अपराधी हों। आज हम लोगों ने नगर निगम का घेराव किया है। वहीं नगर निगम द्वारा 4 बजे का समय मीटिंग के लिए हमको दिया गया है। अगर हम लोगों की समस्याओं का कोई हल नहीं निकलता है तो हम लोग
अभी तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे हम अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। झांसी जिले के मौरानीपुर नवादा गांव के पास अवैध तरीके से रात में बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर तहसील प्रशासन पुलिस बल के साथ खनिज विभाग की टीम को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर लगे हुए बालू के डंप पर बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन मीडिया के द्वारा खनिज विभाग से जब प्रश्न किया गया तो खनिज विभाग के अधिकारी जवाब न देते हुए भागते हुए नजर आए। महोबा के सदर तहसील में कमिश्नर की मौजूदगी में वकीलों ने जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। तहसील के अंदर बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार और धन उगाही को लेकर वकीलों में नाराजगी देखने को मिली। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कार्यालय में हर काम के एवज में हो रही वसूली को लेकर वकील नाराज हैं। तहसील के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर मंडलायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। 14 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन सौंपते हुए वकीलों ने अपनी मांग रखी तो वहीं महोबा में नॉन जेडीए की भूमि की बिक्री पर रोक लगाने की मांग भी वकीलों ने की है। दरअसल आपको बता दें कि महोबा की नवगठित जिला अधिवक्ता समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकीत खान और महामंत्री शिवपाल सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा हुए वकीलों ने सदर तहसील में जमकर प्रदर्शन किया। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर वकीलों ने कमिश्नर बालकृष्णन तिवारी को अपना ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं ने तहसील में पनप रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग की है। वकीलों ने 14 मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कार्यालय में लगे प्राइवेट कर्मियों द्वारा हर काम के एवज में धन उगाही की जा रही है, जिसको लेकर वकीलों में नाराजगी है। फरुखाबाद में निर्वाचन कार्यालय में आग लग गई। आग लगने के कारण चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। वहीं लोगों ने दीवार तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की। वहीं आग के कारण अधिकारियों में भगदड़ मच गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद रहीं। आगरा में विधायक रानी प्रक्षकालिका सिंह ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में बताया कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आए और यहां शांति के लिए धार्मिक पर्यटक का आनंद ले। इसके लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा था, जिसका शिलान्यास और लोकार्पण जिसके लिए 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। बटेश्वर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली और धार्मिक पर्यटक के लिए देश विदेश में पहचाना जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने बताया कि यमुना नदी के किनारे 108 मंदिरों की श्रृंखला है, जो अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता का गुणगान करती है। बटेश्वर मंदिरों के घाटों का निर्माण, मंदिरों पर जीर्णोद्वार और पार्क आदि का एकीकृत विकास हुआ है। दर्शनियों की सुविधा हेतु पर्यटन की दृष्टि से जहाँ पर सर्वाधिक विकास किया है, इससे पर्यटक की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। संत कबीरनगर के बघौली ब्लॉक के करौंदा गांव में 21 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है, जहां पहुंचकर डीएमएसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। संत कबीरनगर स्थित करौंदा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। सीएम योगी के औचक आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान अतुल अग्रवाल नाम के व्यक्ति के रूप में की गई। शव के पास से ही मृतक की गाड़ी खड़ी मिली। वहीं राहगीरों ने इलाके पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। व्यक्ति का शव थाना हरिपर्वत इलाके के पलिवाल पार्क में मिला। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाली इंडिया।